course, yeah, ऐसे लग रहा है कि you know सचमुच में बच्चा पैदा हो क्योंकि ना सिर्फ मैं acting कर रहा हूँ उसमें लेकिन इस बार तो producer भी बने तो और भी responsibilities हैं और बहुत सारे लोग हमारे ऊपर बहुत faith लगाए हैं कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे तो ना सिर्फ हमारे लिए लेकिन उन सब के लिए जिसने इतनी मेहनत और लगन और प्यार से काम किया कि ये पिक्चर उनके लिए भी एक गर्व का मामला हो और 7 अक्टूबर के लिए हम बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं मोर एक्साइटमेंट दैन नर्वसनेस नर्वसनेस तभी महसूस होता है जब मैं सोचती हूँ कि भैया क्या हम मार्केटिंग और करना चाहिए क्या लोगों तक ये संदेशा पहुँच रहा है कि नहीं कि लव ब्रेकअप जिंदगी 7 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है आई थिंक दिस इज द ओनली टाइम दैट आई फील अ लिटिल नर्वस नहीं तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम रियली हैप्पी इतनी एनर्जी और कहाँ से आएगी वो खुशी से तो आती है ज़रूर एक क्या होता है कि पैसे तो हर प्रोजेक्ट में लगते हैं लेकिन जब यू नो कोई प्रोजेक्ट इतनी खूबसूरती से और इतनी एक जो दिल का एक यू नो पैशनेटली बनता है तब यू नो ऐसे लगता है कि सिनेमा बन रही है और सबको लगता है कि यू नो इसमें कुछ बात है और वो एक जो धाराएं पैदा हो जाते हैं आमने सामने वो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जब आप कास्टिंग करते हैं किसी भी फिल्म के लिए तब आई थिंक दो पैरामीटर्स होते हैं एक तो ऑफ कोर्स द पर्सन नीड्स टू बी द पार्ट एंड लुक द पार्ट एंड बी एबल टू परफॉर्म द पार्ट बट द अदर थिंग दैट वी लुक फॉर वाज ये कि ये कैसे लोग हैं किस किस्म के इंसान हैं ये आई थिंक लव ब्रेकअप जिंदगी इज़ रियली ब्लेस्ड टू हैव एक्टर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर कास्ट who are really interesting people individually bahut acche khoobsurat insaan hai pehle to you know sab log kaam ke liye aaye hain you know koi apne egos ke liye nahi aaya koi apne selfish reasons ke liye nahi aaya to bahut jab aise log ke sath kaam karne ka mauka milta hai to aapko lagta hai ki yaar you know sachmuch picture mein banane mein aur karne mein maza aa raha hai